सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जहां एक तरफ रोडवेज कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों को डर दिखाया जा रहा है। सरकार हड़ताली कर्मचारियों को लेकर सख्त हो गई है। कर्मचारियों को कार्रवाई का डर दिखाया जा रहा है। वहीं सिरसा में 32 रोडवेज कर्मचारियों को टर्मिनेशन नोटिस थमा दिया गया है, जिसको लेकर कर्मचारियों का कहना है कि जब तक नोटिस वापस नहीं लिया जाता वो हड़ताल पर रहेंगे। रोडवेज की हड़ताल को लेकर अब कर्मचारियों पर भी गाज गिरनी शुरू हो गई है। सिरसा में 32 रोडवेज कर्मचारियों को टर्मिनेशन का नोटिस थमा दिया गया, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इसको लेकर हड़ताली कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और नोटिस वापस नहीं लेने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। सरकार की हट कर्मी पर अड़ी हुई है सरकार के महाप्रबंधक, जो भी ये इस तरह के कार्य कर रहा है ये बिल्कुल निराधार है। हम इन नोटिसों से बिल्कुल नहीं डरेंगे। जो नए लड़के हैं उनको नोटिस जारी किया, 32 लड़कों को, पुराने को करके देखे ना, अगर हिम्मत है तो अपने पुराने जो वर्कर हैं, जो हमारे जो हम लीडर हैं, हमारे नोटिस जारी करें कि जब तक ये नोटिस वापस नहीं होते, ऊपर से हमारे को कोई आदेश जब तक नहीं मिलता, जब तक हम हड़ताल पर डटे रहेंगे, बिल्कुल नहीं खोलेंगे। वहीं सिरसा डिपो के महाप्रबंधक का कहना है कि रोडवेज बस नहीं चलने से डिपो को करीब 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि ड्राइवर और कंडक्टर हाजिर नहीं होने की वजह से बस नहीं चल पाई। सुबह आज 2:30 बजे से कोशिश की बसें चलाने के लिए, लेकिन कोई भी चालक परिचालक जो है ना ड्यूटी पर उपलब्ध नहीं हुआ। सभी की शाम को कल ड्यूटी लगा दी गई थी, जिस हिसाब से रूटीन में ड्यूटी लगती है। और कल मैंने यूनियन के पदाधिकारियों को बुलाकर मीटिंग ली थी कि इसमें काफ़ी रोडवेज का अवदान होता है और पैसेंजर जो है ना काफ़ी परेशान होते हैं। मैंने उनसे अपील की थी कि आप कल जो है ना इसको पोस्टपोन करें, लेकिन सुबह कोई भी परिचालक चालक उपलब्ध न होने के कारण यहाँ से हम कोई भी बस संचालित नहीं कर सकते। टोटल लॉस आज हमारा लगभग 12 लाख के आसपास होगा। उधर रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मनोहर सरकार ने भी सख्त रुख अपना लिया है। जहां एक तरफ सरकार हड़ताल को लेकर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का डर दिखा रही है, तो वहीं दूसरी ओर रोडवेज के निजीकरण करने के आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार ने बताया कि सरकार का विभाग के निजीकरण का कोई इरादा नहीं। उन्होंने बताया कि जिन ड्राइवरों का प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, अगर वो हड़ताल में शामिल हो रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 2018 के अंदर जो भी ड्राइवर भर्ती हुए हैं और जो लोग जिनका अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है और जो स्ट्राइक पे जाएंगे, निश्चित तौर पर हम उनको बगैर नोटिस देकर, नोटिस से क्या उनको टर्मिनेट कर सकते हैं। क्योंकि प्रोबेशन पीरियड के अंदर कोई इस प्रकार की कोई कार्रवाई करता है तो स्ट्राइक पे जाता है तो उसको छुट्टी करी जा सकती है। क्योंकि निश्चित तौर पर विभाग अपनी कार्रवाई करेगा, कोई भी व्यक्ति कोई कानून को तोड़कर कोई काम करेगा तो विभाग निश्चित तौर पर कार्रवाई करे। इसलिए कैबिनेट का फैसला तो सरकार ने लागू करने के लिए कैबिनेट में फैसला लिया है, तभी हमने स्कीम को फ्लोट किया है। 53 के अंदर ट्रांसपोर्टर आए थे और 720 में से केवल 510 को ही हमने एलओए दिया है। अब सरकार हड़ताली कर्मचारियों को डर दिखा रही है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कर्मचारी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। देखना होगा सरकार और कर्मचारियों के बीच समझौता होता है या नहीं। सिरसा से बलजीत सिंह और चंडीगढ़ से सुदर्शन पवार की रिपोर्ट, MH1 न्यूज़।